सो गाइज यहाँ पर मुझे जो है टीम मिलने वाली है, और गाइज यहाँ पर ना मुझे जो और टीम मिलनी है वो मिलेगी यहाँ से। सो अभी करते हैं उनका वेट और फिर सारी गाड़ियाँ जो है साथ साथ ही जाएंगी। बाकी अब देखते हैं। सो यहाँ पर हम उन गाड़ियों का वेट करेंगे, उसके बाद फिर साथ जाएंगे। सो गाइज एप्पल खा रहा है हेमंत। एप्पल क्या, एप्पल सॉरी हेमंत क्या खा रहे हो? एप्पल मैंने सेब। एप्पल मैंने सेब। सो गाइज एप्पल मैंने सेब उसको दिया है, मैंने कहा खा ले तू। सो उसे खिलाती पिलाती लेके जा रही हूँ ना मैं तुझे। और गाइज बस 5 मिनट में गाड़ियाँ यहाँ पहुँचने वाली हैं। हेमंत पूरा एक्साइटेड है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। देखिए जैसे जैसे रास्ता पास आ रहा है उसको अच्छा लग रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ अब तो। सो गाइज ये जो रेड कार आगे जा रही है ये भी हमारे साथ है, ये हमारी टीम के बंदे हैं। सो वो आगे जा रहे हैं, हम पीछे हैं तो चलते हैं। अब ये एक गाड़ी हमसे पीछे भी है, बाकी अब जा रहे हैं जी। अब ढूंढते हैं इसका गांव और इसको फिर करते हैं इसके घर वालों के हवाले। सो जैसा भी रहेगा आपको दिखाएंगे। तो वो गाड़ी हमारी है रेड वाली आगे जा रही है जो। सो गाइज हम लोग आ गए हैं समालखा। देखिए हम जो है गन्नौर पहुंचने वाले हैं, 4 किलोमीटर रह गया है गन्नौर यहाँ से। उसके बाद फिर हम जाएंगे कौन सा गांव है हेमंत? गुम्मट गांव में जाएंगे और वहां पर फिर हम ढूंढेंगे इसका घर। सो अभी हम हैं गन्नौर रोड पर, गन्नौर यहाँ से 4 किलोमीटर है गन्नौर, और आगे जाना है हमने गुम्मट पुल के ऊपर कह रहा है जाना है आगे। देखते हैं जी अब। तो फ्रेंड्स अभी हम 6 मिनट में इसके गांव में पहुंचने वाले हैं। वो कहते हैं ना ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तो आज हम ढूंढने निकले हैं तो आज इसका घर हमें जरूर मिलेगा। हम ढूंढ के ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये एरिया ऐसे लग रहा है जैसे हमारे उधर का लिद्दी है। कुआ कहाँ पे है, यहाँ से किधर जाना है? सरकारी स्कूल के पास। अच्छा ये रहा सरकारी स्कूल। ये आ गया स्कूल। अब बता कहाँ पे जाना है? ये उधर किधर, कौन सी गली इधर या इधर कौन सी? उधर का चलना। हाँ थोड़ा धीरे धीरे चलते रहो, ये बताएगा खुद। हमें गली बतानी है तुमने, ठीक है? जोन सी भी गली में मुड़ना है ना तो बताना है हमें, क्योंकि वो तो तू ही बताएगा ना अब, ठीक है? इधर उधर देखता रहा कौन सी गली, ये वाली ये वाली, ठीक है? जो उसी में बोलेगा उसी में हम उड़ जाएंगे, ठीक है? देखता रहा इधर उधर ना। इसमें होगा पक्का, लेफ्ट हैंड पे आ जाओ। ये बताएगा ना, ये जो लेफ्ट हैंड पे है ना साइड होगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, तू खुद बता। आगे अड्डे पे आके पूछ लेंगे आदर्श। ठीक है ये खुद बताएगा, ये तो ऐसे हमारे कहने से ना। यार रुक के पूछो क्या किसी से, एक सुनो एक बार, या हम पूछ लेते हैं। हम पूछते हैं, रुको। नहीं हम पूछ लेते हैं, आगे यही है एक चौराहा बस यहाँ पे, ये जो बाइक वाले खड़े हैं यही है। अब जाना किधर है ये बता तू। इस साइड अंदर मुड़ रहे हैं यहाँ से, वो सीधा ही बोल रहा है अभी, रुको। सो गाइज अब हम इधर टर्न हो चुके हैं और यहाँ से अब हमने जाना है। सो गाइज देखिए कैसे कैसे रास्ते हैं, ये गन्नौर है और गुम्मट गांव रह गया यहाँ से कितना है? 3 किलोमीटर। सो गाइज आज तो हम इसका घर ढूंढ के ही जाने वाले हैं, चाहे कुछ ही हो जाए आज ही अपने घर जाएगा ही जाएगा। और टाइम अभी हो रहा है कितना, क्या टाइम हो गया अभी? 5:17 हो चुके हैं। सो वो गाड़ी हमें फॉलो कर रही है, वो हम फॉलो कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं।
आगे मार्केट आने वाली है एक। ओह माय गॉड, स्पीड ब्रेकर गाइस। और यहाँ पे एक बंगाला बस्ती भी है देखो। देखो गाइस यहाँ पर ये बस्ती है, उसके बाद एक यहाँ पर कॉलोनी कह सकते हैं या मार्केट कह सकते हैं, कुछ ऐसा आया है। ये गनगौर होगा है ना? गनौर। गनौर, अच्छा ये गनौर है गाइस। हेमंत बोल रहा है ये गनौर है। यहाँ पे आया है तू कभी? किसके साथ आया था? इधर रेली, रेली में तू तभी तो घूम गया होगा, रेली में आया था। अरे नादिया बैल जी। सो गाइस ये कुछ मार्केट सी आई है और हमारी इधर जाएगी गाड़ी। गनौर, ये गनौर है गाइस। आ गया भाई। हाँ ये सच बोल रहा था, फिर पुल आया है। पुल से नीचे गए हैं, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। सो गाइस हेमंत खुद एड्रेस बता रहा है, अब ऊपर जाना है। यहाँ से कितनी दूर है ना? यहाँ से कितना दूर जाना पड़ेगा अब ये नहीं पता। कोई बात नहीं, हम खुद देख लेंगे, तू टेंशन ना ले। सो गाइस हम लोग जो है बहुत करीब पहुंच चुके हैं इसके घर के। तेरे दादा? हाँ। So guys, हम आ गए हैं और इसने अपना घर भी बता दिया है, हमने पूछताछ की है, मिल गया है। तो अभी हम जा रहे हैं इसके घर पे, वो देखिए इसका घर सामने ही है, इसके दादाजी बैठे हुए हैं। तो अभी हम उतर के आपको सारा मिलवाएंगे और दिखाएंगे। ये तेरे दादा कहाँ है? ये तो नहीं है, गाड़ी तो आपके गई है। अच्छा ये ठीक है, इसका जरूर रिएक्शन लेना है। ठीक है रुको मैं उतर रही हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं उतरना ठीक है। घर ही छोड़ूंगी भागना नहीं है। गाइस इसका घर मिल गया, शायद ये वाला है। ये इसका कौन सा? नहीं आगे ले चलेंगे, पैदल लेके जाना है। चलो फिर, चलो चलो, भागना नहीं है कहीं भी, घर पे छोड़ के जाऊंगी। थोड़ी साइड में करनी आ रही है अभी। कोई नहीं, कोई नहीं, कर दो, कोई ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस मैं इसको लेके जा रही हूँ इसके घर पे छोड़कर, फिर आपको बताते हैं सारा दिखाते हैं। आगे आगे ठीक है, भागना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से चलना है। कोई बात नहीं, अब अपने घर ही आ गया तुम, ठीक है यही रहेगा और यहाँ से कहीं जाना नहीं है। तुम्हें नहीं लग रहा था? पिटाई भी हो जाएगी। हाँ मैं पिटाई भी कर देती हूँ। नहीं नहीं इसके घर पे सौंपेंगे, ऐसे नहीं। पंजाब नहीं, हिमाचल साइड से लेके आएंगे, ये गाड़ी में लेके आएंगे। घर बताओ आप, मेरा एड्रेस बता दिया। तुझे पता है अपना? ये खुद बताएगा घर, अपने घर के पिछड़े हुए लोग उनको वहाँ रखा होगा ना, जिनका पता लगता है उनको छोड़ आते हैं। फिर इसका पता लग गया था, फिर इसको हम ले। कहाँ गया? बाकी ओए कहाँ गया? करो सारे हम जैसे लोग नहीं मिलेंगे हर जगह। हाँ ये खुद बताएगा अपना घर। कौन सा घर है तेरा? हाँ तो बताएगा अपना घर।
दादी कौन सी दादी है? ये सिर्फ दादी क्यों चार दिन हो गए ना गए पता है दो दिन से हमारे पास ही था ये आश्रम में घर कहाँ है नहीं नहीं मारना नहीं घर बताओ ये नहीं मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं मारना नहीं कोई इसने होटल में रास्ता कोई नहीं मारेगा क्योंकि हम तेरे साथ हैं कोई नहीं मारेगा तुम साथ जाएंगे हम ठीक है और तुझे भी समझाएंगे तुम्हें ऐसे नहीं लाना चाहिए तुझे बात चल रही है तीन चार दिन चलो आ गया कोई नहीं स्पेशल लेके आए हैं जिसको इसको हिमाचल से हिमाचल ये हमें मिला था गुरुंडा जी की रोड पे तो इसने अपना कुछ नहीं बताया तो हम इसे अपने आश्रम में लेंगे क्योंकि जिनका कोई नहीं होता ना उन्हें हम अपने आश्रम में रखते हैं नहीं नहीं इसका तो अपना घर बाहर है तो सारा नहीं नहीं क्यों नहीं है आप सबको इसके तक खत्म नहीं करना है इसको समझा के जाएंगे कुछ नहीं कहना बच्चे से गलती है कोई बात नहीं ऐसे नहीं करना अपनी मम्मी को मिल मम्मी कहाँ है मम्मी कौन सी है मम्मी कहाँ मम्मी बता रहे मम्मी चल मिल मम्मी को मिल तीन चार दिन से देख कितने परेशान है मम्मी को मिल मम्मी को नहीं नहीं चुप हो जाओ ठीक कोई बात नहीं आ गया ना अब हम समझा के जाएंगे क्यों डर रहा है कुर्सी लिया कुर्सी लिया रोमन ना चलो बैठो रेल में चला गया यू कैम गया ये तो रोड पे घूम रहा था हिमाचल नहीं यहाँ रोड बैठ जाओ बैठो बताने के बाद भूल जा रहा क्या बात क्या नहीं नहीं उसने नाम भी सारों के बताए आपका क्या नाम है हाँ ऐसे सही बताया आपका भी बताया था कुछ लोकेश लोकेश कौन है सच्चा भाई और दादी का क्या बताया था दादी नाम भी उसने सारे बताए दादी का कौन है तो क्या यही से ये डर रहा है अब डर रहा है ये दादी कोई मारता कुछ नहीं करते ना फिर क्यों गया था कोई आज तो हम थे सारे हम जैसे नहीं मिलेंगे लोग ठीक है ना हम तो एक तुझे कहाँ से 200 किलोमीटर दूर से तुझे लेके आए हैं ना मेरे घर छोड़ने के लिए साथ कुछ गलत ना हो इसलिए लाए हैं ना तुझे तो अब भी करेगा ना ऐसा हाँ ले लिया माफी माफी मांगनी पड़ेगी मेरी मम्मी पापा दादी दादा सबसे माफी मांगनी है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा ठीक है और कहीं भी इनको बिना बताए जाना नहीं है लोग बहुत बुरे हैं मार देते हैं और सारे बताए कि मैं कहीं जाऊँ तो दारू के ऊपर मैंने पिटवा दिया है ये सारे नहीं ऐसे काम नहीं करने है ऐसे की पिटना थोड़ी है किसी से अपने
सारी चीज है घर में सारी चीज है सब कुछ है मैं जी कम से कम ना जी 8 लाख से लगाई पर इन की बीमारी भाई डॉक्टर गया कुछ नॉर्मल पूरा टाइट लग गया मैं अपना पीएफ भी फंड भी सब कुछ दस्ती लगी थी कुछ कुत्ते भी इन जो कुछ मैंने सुना था आज रहे कुत्ते लोग 10 रुपये को लेते हैं पूरी नहीं खाना भी नहीं मिला एक चीज भी खाई पोंटा साहिब से थोड़ा सा पहले बैठे कोई नहीं बैठे वो कुछ करता हो पहले वो तुम्हारे से मंदिर में छोड़ेगा पिछले महीने में पूरे 40 लाख हो रहा है कोई दोस्त हो जाता रहो चुका हो गया भाई तू ग्राउंड है इसको एक काम करेंगे दिमाग के रोग लिखवा देंगे नंबर वगैरह दे ये डर रहा है आपसे आपसे डर रहा है ये डर रहा है आपसे ये कह रहा था ये ना इसने वहां भी बोला कि मेरे पापा मारेंगे मेरे को गलती होगी आगे नहीं करूंगा पागल टेंशन मत लिया कर आप कहीं घबरा रहे क्या घबरा रहे क्या कर रहे हो किसमें घुट रहे हो अपने घर में कोई बात नहीं गलती का बच्चों से होती है कोई बात मार कूट चाचा तो बेवजह ये ऊपर डाल का है ये लगे कूं के दे दिन का पागल ये पर जब बुद्धि घुमा बुद्धि बैठो ना भी एकदम कल तो वही बात है कल देख लेना कोई नहीं आएगा छोड़ने बेटा सारे एक जैसी दुनिया नहीं है दुनिया यो
अपने मान ले दूसरा घर मिल गया था, ये नहीं कहा कि घर था यो, और ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। ठीक है ना, अब कहीं नहीं जाना तुमने बिल्कुल भी, वरना लोग मार देंगे। सड़क पे भीख मंगवाएंगे तेरे से, जाने आने कहीं भी। ठीक है, अपने घर में रहना है, इलेक्शन से जो बनेगा खुद नहीं बनेगा, थोड़ी कुछ दे रहा है। तेरी वोट्स तेरी ना, और कुछ नहीं, वही तो बात है। खाता करो ना, वो अपने कोई लोग खाओ पियो, आ जाओ बेटी। ये कह रही थी इसमें क्या है कि मेरे इंटरनल में सारी चीज बात पर दिख रहा है, भी सारी चीज सब कुछ है, वही तो बात है, सब कुछ है। कहेगा भी वो नहीं, पर इनके तो बेराई ना के बुद्धि बस हो रही, वही तो बात है। सारी रात को 9 बजे को निकले बेचारे ढूंढ रहे होंगे ना, लेकिन ये ना मिलता तो क्या मतलब है, किसी भी बुक से कहाँ मिलता है ये तो हिमाचल प्रदेश में ना, यहाँ का नहीं गया। ये गुरुंडा जी रोड पे मिला मेरी माँ को, तो इसने बोला कि मेरा कोई घर परिवार नहीं है, तो हमारा ये है हम छोड़ते नहीं, अगर सड़क पे किसी को कीड़े भी पड़े हुए हैं ना, हम उठा के अपने आश्रम में ले जाते हैं, वहाँ उनको नहलाएंगे धुलाएंगे पूरी उनकी सेवा करेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर अगर वो एड्रेस बताएंगे तो छोड़ आते हैं, नहीं तो फिर वही है बेचारा आश्रम करूँ ना। नहीं नहीं हमारा वही है सब्जी वाला भी, छोटा सा थोड़ा सा बाकी आप वीडियो दिखा दो आश्रम की। लग रहा है ना मन, है ना जी, आश्रम में पूछ लो मेरी, आश्रम में रहेगा पक्की बात है, कब पक्की बात है रहेगा आश्रम में, वहाँ जी तो लग नहीं रहा था तेरा ना, आश्रम में ठीक है, अभी थोड़े दिन यहाँ रह ले घर पे, फिर चला जाइए दोबारा, ठीक है है ना। हाँ आ जा बैठ जा, क्या लिखना है आश्रम का लिख दो आप, अवेस्टा फाउंडेशन। हेलो, बेटा रोटी खा के चले ना अम्मा जी, रोटी नहीं लेट हो जाएंगे, हमने अभी वापस जाना है वहीं पे 200 किलोमीटर पीछे जाना है। हिंदी में लिख देते हैं आप, इंग्लिश में लिख रहे हैं। अच्छा सो गाइज, आश्रम का हम इनको अपने एड्रेस देकर जा रहे हैं, कल को सो बात हो जाती है, सो ये वहाँ पर आ भी सकते हैं, और बाकी जो भी बात रहेगी वो आपको आगे ब्लॉग में बताएंगे। ये बैठे हैं इसके पापा, अभी मैं आपको सारे परिवार से मिलवाऊंगी।